रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। हमारे लिए बायस से बढ़कर साबित हुआ है कि उनकी रिहाई हुई है, वो असेंबली में आए और असेंबली की कमोशन ही बन गई। तो ये बड़ी खुशायन बात है कि उनके नेक आदमी है तो भी तशरीफ लाए हैं, तो नेक खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं, तो अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि ये आज जो इजलास मुलतवी हुआ है, इस सिर्फ और सिर्फ एक बात की वजह से हुआ है कि आपकी भरपूर हाजिरी, आपकी भरपूर हाजिरी ने ये बात मुमकिन की है और बैक फुट पे गवर्नमेंट गई है। उनके अपने भी मेम्बरान जो हैं वो बेयकीनी के आलम में हैं, वो कोई ज्यादा इस वक्त कमिटमेंट उनकी अपनी पार्टी के साथ या गवर्नमेंट के साथ नहीं है। पिछले 3-3.5 साल की उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उनके मेम्बरान को भी नजर आ रही है, उनके इतिहादियों को भी नजर आ रही है, लेकिन जो चीज हमारे बिल्कुल 100% कंट्रोल में है वो हमारी बात है। अगर कल का इजलास मुलतवी भी हो गया है तो आप लोगों ने जितनी भी यहां पे इतिहादी पार्टियां यहां पे बैठी हुई हैं उनके मेम्बरान जो हैं अपनी हाजिरी यकीनी बनाए। कल अगर नहीं भी होता तो परसों इजलास जो है नेशनल असेंबली का तो होगा, सेंट का भी होगा, उसकी अटेंडेंस जो है वो भी भरपूर होनी चाहिए। आप देखें कल आपने दो बिल सिर्फ इसलिए डिफीट कर सके कि आपकी आदमी और गवर्नमेंट की आदमी, और ये मेजर वजह बनी है कि उन्होंने आज रिस्क नहीं लिया कि कल जिस तरह दो उनको शिकस्त हुई है उस तरह की शिकस्त जो है कल की वो होल्ड नहीं कर सकते। ज्वाइंट सेशन में यानी पार्लियामेंट के सेशन में हुकूमत की शिकस्त होनी जो है वो मेरा ख्याल है कि कानूनी या आईनी तौर पर तो ना हो, लेकिन करीब करीब जो है वो एक किस्म का अपडेट मार्का हुआ है। तो ये मेरी मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि अपनी हाजिरी जो है हमारे बहुत से मेम्बरान जो है वो बैरून मुल्क से वापस आए, बाद अपने बड़े करीबी अजीज जो है अलील जो है जिनके इलाज के लिए वहां पे गए हुए थे उनको छोड़ के वापस आए। ये मैं समझता हूं ये बड़ी काबिल तहसीन बात है और हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।